जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, हम लोग धन संतान और मान कीर्ति के लिए जितना जी तोड़ परिश्रम और सच्चे मन से प्रयत्न करते हैं, जितना छटपटाते हैं, उतना परमात्मा के लिए क्या अपने जीवन भर में कभी किसी दिन भी हमने प्रयत्न किया है या हम छटपटाए हैं? तुच्छ धन मान के लिए तो हम भटकते और रोते फिरते हैं। क्या परमात्मा के लिए व्याकुल होकर सच्चे मन से हमने कभी एक आंसू भी गिराया है? इस अवस्था में हम कैसे कह सकते हैं कि परमात्मा के दर्शन नहीं होते? हमारे मन में परमात्मा के दर्शन की लालसा ही कहाँ है? हमने तो अपना सारा मन अनित्य सांसारिक विषयों के कूड़े करकट से भर रखा है। जोर की भूख या प्यास लगने पर क्या कभी कोई स्थिर रह सकता है? परंतु हमारी भोग लिप्सा और भगवान के प्रति उदासीनता इस बात को सिद्ध करती है कि हम लोगों को भगवान के लिए जोर की भूख या प्यास नहीं लगी है। जिस दिन वह भूख लगेगी, उस दिन भगवान को छोड़कर दूसरी कोई वस्तु हमें सुहाएगी नहीं। उस दिन हमारा चित्त सब ओर से हटकर केवल भगवान के चिंतन में तल्लीन हो जाएगा। जिस प्रकार विशाल साम्राज्य के प्राप्त हो जाने पर साधारण कोड़ियों के तुच्छ व्यापार से स्वाभाविक ही मन हट जाता है, उसी प्रकार जगत के बड़े से बड़े भोग हमें तुच्छ और नीरस प्रतीत होने लगेंगे। उस समय हम अनायास ही कह उठेंगे, इस जग की कोई वस्तु न हमें सुहाती है। पल पल में श्यामल मूर्ति स्मरण में आती है। भगवान के परम और मधुर आनंद स्वरूप होने पर भी हमारा उनकी ओर पूरा आकर्षण नहीं है। इसका कारण यही है कि हमने उनके महत्व को भली भांति समझा नहीं। इसलिए अमृत को छोड़कर हम रमणीय विषयों के विष भरे लड्डुओं के लिए दिन रात भटकते हैं और उन्हें खा खा कर बारम्बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं। भगवान के दर्शन दुर्लभ नहीं, दुर्लभ है उनके दर्शन की दंभ शून्य और एकांत लालसा। जो भगवान नित्य और सत्य हैं, सब समय सभी स्थानों में व्यापक हैं, किसी एक युग विशेष में उनके दर्शन न हों, यह बात कैसे मानी जा सकती है? ऐसा कहने वाले लोग या तो श्रद्धा से रहित हैं या भगवान की महिमा का भाव समझने के लिए उन्हें कभी अवसर नहीं मिला। इसमें कोई संदेह नहीं कि इन नेत्रों की सफलता नित्य अतृप्त रूप से उस नवीन नील नीरज कांति श्याम सुंदर की विश्व मोहिनी रूप माधुरी का दर्शन करने में ही है। परंतु जहाँ तक भगवत कृपा से इन नेत्रों को दिव्य भाव प्राप्त नहीं होता, वहाँ तक ये नेत्र उस रूप छटा के दर्शन से वंचित ही रहते हैं। नेत्रों को दिव्य बनाकर उन्हें सार्थक करने का सिद्ध मार्ग उपयुक्त परम व्याकुलता ही है। जिस महानुभाव के हृदय में श्री कृष्ण दर्शन तीव्रतम विरह अग्नि जल रही है, वह सर्वथा स्तुति का पात्र है। विरह अग्नि प्रायः बाहर नहीं निकला करती, और जब कभी वियोग वेदना सर्वथा असहनीय होकर बाहर फूट निकलती है, तब वह उसके सारे पाप तापों को तुरंत जलाकर उसे भगवान के प्रेम में पागल बना देती है। उस समय वह भक्त अनन्य प्रेम में मतवाला भक्त ब्रज गोपियों की भांति सब कुछ भूलकर उस प्राणाधिक मनमोहन के दर्शन के लिए दौड़ पड़ता है और अपनी सारी शक्ति और सारा उत्साह लगाकर भगवान को पुकारता है। बस इसी अवस्था में उसे भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं। दर्शन उसी रूप में होते हैं जिस रूप में वह दर्शन करना चाहता है, एवं व्यवहार बर्ताव या वार्तालाप भी प्रायः उसी प्रकार का होता है जिस प्रकार का उसने पहले चाहा है। ऐसी स्थिति को प्राप्त होने के लिए साधक को चाहिए कि पहले वह सत्संग के द्वारा भगवान के अतुलनीय महत्व को समझे। दोबारा सुने, ऐसी स्थिति को प्राप्त होने के लिए साधक को चाहिए कि पहले वह सत्संग के द्वारा भगवान के
अतुलनीय महत्व को कुछ समझें और उनके निरंतर नाम जप तथा ध्यान के द्वारा अपने अंतर में उनके प्रति कुछ प्रेम उत्पन्न करें। ज्यों ज्यों भगवत प्रेम से हृदय भरता जाएगा, त्यों ही त्यों वहाँ से विषय हटते चले जाएंगे। यों करते करते जिस दिन वह अपना हृदय आसन केवल परमात्मा के लिए सजा सकेगा, उसी दिन और उसी क्षण उसके हृदय में परम व्याकुलता उत्पन्न होगी और वह व्याकुलता अत्यंत तीव्र होकर भगवान के हृदय में भी भक्त को दर्शन देने के लिए वैसी ही व्याकुलता उत्पन्न कर देगी। इसके बाद तत्काल ही वह शुभ समय प्राप्त होगा जिसमें भक्त और भगवान का परस्पर प्रत्यक्ष मिलन होगा और उससे भूमि पावन हो जाएगी। जय श्री राधे, जय श्री राधे।